राशि के हिसाब से आज हमारा डी टू है और हम लेह के लिए निकल चुके हैं। हम लोग कारगिल से ले के लिए निकल चुके हैं। हम लोग 8 बजे निकल चुके हैं कारगिल से। कारगिल से ले तक लगभग डिस्टेंस 230 किलोमीटर। तो गाइस ले पहुंचने के लिए लगभग 2 माउंटेन पास करने होंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे ले। आप लोग लास्ट वीडियो में देखा होगा श्रीनगर से लेकर कारगिल तक आपको स्नो माउंटेन देखने को मिला है। वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखा हो तो आई बटन में दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको मिट्टी से बना हुआ पहाड़ों और पत्थरों से बना हुआ पहाड़ों देखने को मिलेगा, काफी सुंदर है गाइस। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा। आपको श्रीनगर से लेकर लद्दाख तक काफी सुंदर सा नजारा देखने को मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, धीरे धीरे एक एक करके वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। यहाँ पर आपको एक व्यू पॉइंट और फ्यूचर बुद्धा देखने को मिलेगा। आपको पूरा लेह लद्दाख में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। अब आपको ले चलती हूँ फ्यूचर बुद्धा के पास। ये है प्रेयर व्हील। अब हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ का एंट्री फी है 20 रुपीस। पूरा वीडियो में आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके का माउंटेन्स, अलग अलग शेप्स का माउंटेन्स देखने को मिलेगा। कारगिल से ले पहुंचने तक 2 हाईएस्ट माउंटेन को पास करनी होंगे, एक नमकीला टॉप, दूसरा हो गया फटुला टॉप। ये है दोस्तों नमकीला टॉप। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा है। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, काफी मजे आने वाला है। नमकीला टॉप के बाद आपको और एक व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सुन सकते हैं हवा का आवाज। यहाँ पर कुछ फोटोज और वीडियोस निकल के फिर चलते हैं आगे। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज और रील्स निकाला है। इस तरह काफी साइट सीन्स देखने को मिलेगा और बहुत ही सुंदर सुंदर सा व्यू। शायद आपको वीडियो में इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आप रियलिटी में ये सब देखोगी ना, सच में गाइस आपको काफी मजा आएगा।
श्रीनगर टू ले जाने के रास्ते में और एक फोटो लटाप भी आपको देखने को मिलेगा। रास्ते पर आपको बहुत सारे इस तरह व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। अब हम लोग निकल चुके हैं ले के लिए। ले पहुंचने के बाद हम लोग रुके थे एशिया होटल में। ये था एशिया होटल। इस होटल में 25 मई को मेरे बेटी का जन्मदिन मनाए थे। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ले टू लद्दाख का जर्नी अपलोड करने वाली हूँ। इस तरह आपको स्नो और पेंगोंग लेक देखने को मिलेगा, जहाँ पर थ्री इडियट्स का शूटिंग हुआ था। तो गाइस मेरे चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।